जी तो बच्चे नहा रहे ने ते नहर के किनारे ते असीं भी खड़ोते हैं। बच्चे नहा रहे ने आदि खुशी नाल आ देखो। हाँ जी माशाल्लाह ठंडा माहौल है। बच्चे गर्मी इंजॉय कर रहे हैं। ये हाल मेरे भैन भाइयों उम्मीद करना ठीक हो सो अलहमदुल्ला मैं ठीक ठाक हाँ। इस मेरी एक छोटी जी रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो नू लाइक किया करो और मेरे चैनल नू सब्सक्राइब कर लो ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो थोड़े तक बसानी पहुँच सके। तो इस मैं चलिया अज साहिवाल थानू इंशाल्लाह अज साहिवाल की सैर करावांगा। हाँ जी तो मैं पहुँचा दरिया रावी से हाले पुल तो पिछे ही हाँ पर वेख सकते हो पत्थर सटिया जा रहा है इतने सड़क के नाल बाईपास के नाल वेखो दरिया की सूरत हाल पानी काफ़ी आ गया है। उन्होंने डेडलाइन लकीर ला दी है इस तो अगली साइड से मतलब पत्थर सटिया जासी वेख सकते हो ट्रक उल्टा रहे हैं पत्थर का तो ट्रैफिक नू काफ़ी प्रॉब्लम बन रही है इन्हें ट्रकों की वजह तो। जी तो मैं दरिया रावि के पुल से आ गया ये जो साहिवाल और फैसलाबाद के दरम्यान है मैं वेख सकते हो तुम दरिया की सूरत हाल तमाकू कढ़िया हो अज अल्लाह का शुक्र मौसम भी बड़ा प्यारा बने हुआ है अस फायदे लगे हुए लैन के थले तमाकू की कैरी नाल बठे की इटा कट रहे हैं मतलब छोटा जि घर है बड़ा खूबसूरत है कैरी बनाई उन्हें पता नहीं बेच की कढ़िया हुआ मर्चा के बूटे ने। हाँ जी और भरम बठा है माशाल्लाह कितना प्यारा मौसम है तुसी देख सकते हो। तो असी साहिवाल की तरफ गामजन है तो पानी जा रहा है भाई और मेहनत कर रहे हैं गारा बना रहे हैं और परली साइड से इटा है खूह है देखने कितना गहरा है ओह ये तो काफ़ी गहरा है तकरीबन ये तो 50 से 60 फुट गहरा होना है वेखो तारा नाल बने हुए ने साइडों को नाल नाल काबू रहे जिस टाइम चले बिजली खड्डा ही बड़ा प्यारा बनाए ने इतने तनावन का स्वाद आ जाए। ये तो अंब का बूटा है तो अंब के नाल ही वेख सकते हो बोर्ड भी लगी हुई है माशाल्लाह भाई बड़ी खूबसूरत लग रही है क्योंकि मौसम भी बड़ा सोहना है और ये नज़ारा भी बड़ा सोहना लग रहा है आ थले पानी खड़ा है गुहरा है ये थापियां का बनाया जाता है थापियां बालन के इस्तेमाल होंदिया ने ते मज्जी और गाय के गोहे के नाल बनदिया ने वेख सकते हो तुसी इन्हें थापी कहा जाता है साढ़े इलाके। हाँ जी तो नाल गोहा पैन दी थापियां बन सन थापियां तो बाद जोड़ के तो गुहरा बना दे सन इन सदे ने गुहरा ये तो थापियां जुड़िया पे आ गुहरा तैयार हो गया वेखो एक भी तैयार हो गया दूसरा भी तैयार हो गया तो तीसरा भी तैयार हो गया ये हूँ इस टाइम तैयार खड़े ने क्योंकि हूँ गर्मियां ने हूँ ज़्यादातर बालन की लड़ नहीं बननी तो सर्दियों बालन वजह तो इनू उत्तुगो ही डांप दिता गया मतलब डक दिता गया है तो सर्दियों चुने उत्तू पट के इस्तेमाल किया जा सकता है। इटा का पेड़ लगा पे उत्तू छापर न ढके हुए ने क्योंकि बारिश का मौसम बन गया है ना कच्चिया इटा भी ने इन पक्या भी हैं जड़िया तैयार हुई पे वेखो बड़ी लंबी दाड़ बनी हुई इन इटा हूँ कजिया पे मतलब बारिश भी हो जाए तो नुकसान नहीं हो सकता इनका तो आ सामने पट्ठा खड़ोता है इस पट्ठे तो हम इटा पकसने जी तो पक्या इटा का पेड़ लगा पे और तोड़ तक इन उत्ते छापर है सही पर वैसे अर्ज ही रखे हुए हैं तो बाकी वेख सकते हो भी बड़ी लंबी दाड़ है ये घर नहीं है इटा जुड़िया पे मतलब फार सेल ने इस टाइम बेचण के काबिल हो गई हैं पकिया इटा। हाँ जी तो जम्मू का बूटा है ये तकरीबन 8-9 बूटे कट्ठे ने ते गाई मज्जी बंदियां ने नहर के किनारे से छोटी जी नहर है वेखो पुली बनी हुई है
नारे च पानी माशाल्लाह काफ़ी सारा है। ते ओ वेखो मज्जी जा रही ने वापस इतों नहर तो पानी पी के, इतने मज्जी आदि ने नहर तो पानी पीने इस वजह तो, ते हुण वापस लैके जा रहे ने मज्जी। जी तो मज्जी बनी हुई ने और पिछे गाय खड़ोती ने, इन्होंने बच्चे ने मज्जी गाय दे, तुसी वेख सकते हो कैसा माहौल बनया। कुर्ता हवा बड़ी तेज चली हुई है। वापस आ गए दरिया, वेख सकते हो तुसी दरिया का नज़ारा, माशाल्लाह पानी काफ़ी आया हुआ है। तो इस दिन आ रही बारिशों का मौसम शुरू हो गया, मौसम आज बहुत प्यारा सारा दिन। मैं क्या चलो वापसी तो सैर कराए जावा दरिया। हाँ जी, तो दाड़े इन तूड़ी है जिन्होंने कि पंजाबी भूआ ने आए, तो उन्होंने संभाल के रखन वास्ते या उनकी बचत करन वास्ते उत्तों इन्हू लिंबिया गया है। वेखो न बड़ी मेहनत हुई इनू लिंबण से, तो ये हूँ सर्दियों सर्दियों वास्ते माल वास्ते लिंब के रखे ने बे, सर्दियों माल डंगर के काम सिखावन दे। वेखो बड़ी बेहतरीन लिंबी गई है और इनू लिंबना भी बड़े तरीके पाँदा है, हर बंदे दे वास की गल नहीं इनू लिंबना भी। घर मेहमान आए हुए ने, खाला बैठी है, मेरी दादी बैठी है, चाचू आए बैठे ने, अम्मी बैठी है, मामू हैं इकरा फातिमा और मोमना दो में कठिया ने, मामू नु चमड़ियां बैठिया ने। हाँ जी, अम्मी और सालन पका रहे ने। अम्मी जी की पकांदे पे हो? भिंडियां। अच्छा, भिंडियां पकांदे पे हो। कितना टाइम लगसी? थोड़ा आ जाता है, हम लोग 50 मिनट लग जाए। अच्छा, तो बाजी बैठी थी इकरा फातिमा। अस्सलाम वालेकुम, की हाल है मेरे बहन भाई, उम्मीद करने कि तुम ठीक ठाक हो। हां जी, मम्मी जी तो सालन पक गया। पक गया। हां जी, तो सालन अल्लाह कीता तैयार हो गया है। हां जी, हम रोटियां तेरे घर जाए पकाती। अच्छा, रोटियां बाजी पकानियां ने। चलो ठीक है, पकाओ बाजी, तू शाम हो गई, मुड़ बच्चे भी खानी है, नाले मैनू भी भूख लगी हुई। बाजी और रोटियां पका रहे ने। हाँ जी बाजी, ठीक। हाँ जी, तो चाचू तो दादी रोटी खा रहे ने, बच्चे भी बैठे ने इंतजार, भी रोटी पके तो असं भी खाइए, ठीक है। तो शाम हो गई काफ़ी, तुम वेख सकते हो, तो इंशाल्लाह जिंदगी रही, तो कल मुलाकात होती, कल के व्लॉग मिलेंगे। खुदा हाफिज़।